वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। निफ्टी 50 में मेरे पास डेली कैंडल ऊपर है। यहाँ पर मैं आपको थर्सडे को बता के गया था मार्केट में आपको एक वीकनेस दिखाई दे सकती है। फ्राइडे को 300 पॉइंट 200 पॉइंट मार्केट गिरा यहाँ पर नो डाउट, और यहाँ से 18200 से ये वापस से इंट्राडे में रिवर्स होकर क्लोजिंग कहीं ऊपर जाके दिया है। बट अभी भी मेरा व्यू ये है कि मार्केट एक दो तीन दिन में आपको नेक्स्ट कमिंग ट्रेडिंग डेज में थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। 18000 तक के लेवल निफ्टी में कभी भी टेस्ट हो सकते हैं, मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे आ सकता है। इसका एक रीजन है कि ये डेली कैंडल में मेरे पास एक ट्रेंड लाइन है। अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से फिर से गिरा था, यहां पर जब इसी ट्रेंड लाइन पर वापस आया फिर से गिरावट दिखाई थी। अभी सेम ट्रेंड लाइन के आसपास 18450 का हाई लगा के फिर से गिरने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से 3-400 पॉइंट का रिजेक्शन होना और 18000 का रीटेस्ट होना मार्केट के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इंट्राडे का देखें कौन सा लेवल हमें मंडे को ट्रेड करना चाहिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम यहां पर चलते हैं। थोड़ा सा चार्ट को मैं यहां पर जूम आउट कर लेता हूं। इधर आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट फ्राइडे को यहां पर नीचे गिरा नो डाउट, 18200 का लो लगा के वापस 18300 की क्लोजिंग दिया। तो अभी क्या होने वाला है, 18400 जहां से गिरा है ये हमारे लिए अभी भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। नीचे 18200 फ्राइडे को जहां से बाउंस किया है ये हो गया हमारे लिए सपोर्ट। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट घूमने वाला है। जब तक 18400 से ऊपर नहीं निकलता इन लेवल्स के ऊपर बुलिश नहीं होगा। इसी जगह 18200 के नीचे जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये बेरिश भी नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर ये अच्छा बाउंस देखे गया है इंट्राडे में। तो 18400 पे अगर इंट्राडे के अंदर आता है, 18400-450 के आसपास आता है, यहां पर नेगेटिव कैंडल बनती है, मान लो गैप अप देखिए 400-450 पे आ गया, एक रेड कैंडल यहां पर बनती है, नेगेटिव पैटर्न बनता है, यहां पर आप सेल करेंगे, मार्केट आपको 400 से वापस से 300 या 250 तक गिरता हुआ दिखाई देगा। इसी जगह पे गैप अप आके साइडवेज होके 18450 के ऊपर निकलता है तो यहां पर बाइंग कंटिन्यू रहेगी, 18600 तक के टारगेट आपको निफ्टी के अंदर दिखाई देंगे। पर बाइंग तभी करनी है जब 18450 के ऊपर कम से कम 30-40 मिनट होल्ड कर जाए, उसके बाद में बाइंग करनी है, नहीं तो वापस से रिजेक्शन ले सकता है। अगर इसी जगह मान लो गैप डाउन आ जाता है तो सेलिंग कहां करनी है, 18200 के नीचे निकलने के बाद ही हम सेलिंग करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा 18100 का, और 18000 का हमारा 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, 50 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। 18200 के नीचे सेल, 18450 के ऊपर बाय, इसके बीच में है कहीं तो यहां पर रेजिस्टेंस लेके नेगेटिव कैंडल बना रहा है तो सेल, या फिर 200-225 पे वापस से बुलिश कैंडल यहां पर बना रहा है नीचे गैप डाउन देने के बाद, तो यहां पर हमारी बाइंग प्लान रहेगी। सिंपल है एनालिसिस मंडे के लिए, देखते हैं गैप अप ओपनिंग आती है, गैप डाउन आती है, उस अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अगर हम यहां पर बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी 42400, ज्यादा नहीं गिर पाया बैंक निफ्टी, और रिवर्स भी रेंज के अंदर ही वापस बैंक निफ्टी चल रहा है। 42600 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश होगा। अगर एक गैप अप देके 42600 के ऊपर यहां पर क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कैंडल की तो बुलिश हो जाएगा। इसी जगह पे अगर बैंक निफ्टी यहां पर गैप डाउन देता है या छोटी सी फ्लैट ओपनिंग देता है, और जब तक 42200 को नीचे ब्रेक नहीं करता है आपको सेल नहीं करना। बैंक निफ्टी में देखो यहां पर गिरा, फिर से रिजेक्शन मिल गया, यहां गिरा, फिर से इंट्राडे में वॉलेटिलिटी हुई, फिर से बाउंस कर गया। तो बैंक निफ्टी में आपको बता के कहता है स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी वीक हो सकता है, एग्जैक्टली यही हुआ। बैंक निफ्टी में आपको अच्छा सेल ट्रेड मिला भी नहीं है जबकि निफ्टी में मिला है। अभी बैंक निफ्टी का प्लान यही है कि 42200 के नीचे जब तक ये नहीं निकलता तब तक सेलिंग नहीं है, 42650 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक यहां पर मार्केट में बाय ट्रेड भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। बाइंग करनी है आपको, यही नीचे आने दो, 250-300 के आसपास यहां पर बुलिश पैटर्न बन रहा है, इधर बाय करो, या फिर इसको ऊपर का लेवल क्रॉस होने दो, उसके बाद में बाइंग प्लान करना। और मार्केट में सबसे स्ट्रांग अभी बैंक्स ही होने वाले हैं, फाइनेंस ही होने वाला है, ये बात मैं आपको कब से बता रहा हूं। बैंक निफ्टी अभी स्ट्रांग है, 42650 के ऊपर बाय, 42200 के नीचे सेल, इसके बीच में साइडवेज, रेजिस्टेंस सपोर्ट देख के 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही हम ट्रेड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी 42200 के नीचे हमें सेल ट्रेड देता भी है तो टारगेट ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा 42000 या फिर 41950 यही टारगेट रहेंगे सेलिंग के, फिर यहां पर आने पर वापस एक बाउंस मिल सकता है। 41900 के नीचे जब बैंक निफ्टी निकलेगा ना, ये जो लेवल्स है इसके नीचे ये पूरा गैप फिल करेगा और 41500-600 तक की भी गिरावट आपको दिखाएगा। बट ये सेलिंग 42200 के नीचे ही आएगी, 42200-600 के बीच में मार्केट टोटली साइडवेज है। इंट्राडे में अगर इसी के बीच में घूम रहा है तो रेजिस्टेंस पे नेगेटिव कैंडल देख के स्कैल्पिंग सेल ट्रेड, या सपोर्ट पे बुलिश कैंडल देख के स्कैल्पिंग बाय ट्रेड छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए, क्योंकि मार्केट टोटली साइडवेज एक रेंज में चल रहा है।